तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग से शेयर करने वाला हूँ UMT की तरफ से QC फायर जो टूल होता है फ्रेंड, जो कॉलकॉम के लिए आता है, तो उसका अपडेट कुछ आ चुका है, तो उसी को मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लास्ट तक देखना। और जो भी भाई नया देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो आगे भी मिलने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसे ओपन फोल्डर करता हूँ। तो ये रहा सेटअप, पहले था आपका V8.8 था, अभी V8.9 आ गया। इस अभी का डेट पे लेटेस्ट है, ये अपडेट आ चुका है। फिलहाल 2 दिन जैसा हो गया, तो मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो आज मैं बना रहा हूँ। तो पहले सबसे पहले इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। तो जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया, ये देख पा रहे हो, ये रहा सेटअप। तो इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो जैसे डबल क्लिक किया, ये आ गया सेटअप। इसका ऊपर भी मैं डबल क्लिक करता हूँ इंस्टॉल करने के लिए। इसके ऊपर डबल क्लिक करने से आपको आ जाएगा। तो इसे मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, इस पर येस या नो पूछ रहा है, तो सिंपल सी आपको येस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही येस पे क्लिक कीजिएगा, ये सेटअप इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो गया, देख पा रहे हो। तो सबसे पहले इस पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक कीजिएगा, इसका अंदर में शो करेगा अपडेट क्या क्या आ चुका है। तो सबसे पहले देखिए, QC फायर इसका टूल का नाम है, और इसका वर्जन फिलहाल है आपको 8.9। जिस मोबाइल में आपको कॉलकॉम का चिपसेट लगा होता है उसी पर ये काम करता है। तो सबसे पहले देखिए इस पर क्या क्या सिस्टम है, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो सपोर्टेड फ्यूचर में आप जैसे देख पा रहे हो, रीड राइट है तो पहले से ही था, उसके बाद आपको बैकअप, रीस्टोर, QCN, ये सब तो पहले से था। तो इस पर नया क्या चीज़ आया मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें MI अकाउंट वगैरह ये सब भी पहले से ही था। तो इसमें न्यू कुछ मॉडल ऐड किया गया है, ये देख पा रहे हो, ये तो यहाँ पर आता ही नहीं है, ये भी काम का चीज़ नहीं है। ये जियोनी का एक पुराना मॉडल है, इसे ऐड किया गया। हॉनर का उतना आता नहीं है, इनफिनिक्स का, उसके बाद एल जी का भी इतना आता ही नहीं है। उसके बाद लेनोवो का देख पा रहे हो, मोटोरोला, वन प्लस, एक ओप्पो का 2 मॉडल ऐड किया गया है। उसके बाद सैमसंग का कुछ मॉडल ऐड किया गया है, J4+, J6+, आपको बाइनरी इसमें 4, इसमें 5, ये आप देख लेना काम करने से पहले ही। उसके बाद आपको शाओमी का 1 मॉडल ऐड किया गया, और ये वाला क्या है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो इतना खास मुझे नहीं लगा इस अपडेट में, उतना कुछ खास अपडेट नहीं दिया मुझे लगता है। तो आप लोगों को कैसे लगता है, आप लोग यूज़ अगर करते हैं UMT टूल, तो मुझे कमेंट में बोलना ये अपडेट आपको कैसे लग रहा है। इसमें कुछ वीवो का मॉडल ऐड किया गया था जो पहले काम करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये वाला आप देख पा रहे हो, V9 Y91 185, अभी आपका। तो फ्रेंड, अभी आप इन मॉडलों में भी काम कर पाओगी। तो और क्या है इस पर, और ऐसे तो कुछ भी नहीं है। चलिए इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ इंस्टॉल करके। नेक्स्ट, इसे आपको टिक मार्क रहने देना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट। तो फ्रेंड, देख पा रहे हो ये सेटअप इंस्टॉल हो गया। इस तरह से अगर आपको आपका पीसी में भी आएगा तो आपको ओके करना है। जैसे ओके कीजिएगा, ये आगे बढ़ेगा। तो ये मेरा पीसी में ऑलरेडी है, इसे मैं क्लोज करता हूँ, नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसको फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे, टूल रन होगा, आपको यस पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड, देख पा रहे हो जो टूल है वो रन हो गया। इसका लुक वगैरह सेम ही है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ इस टूल के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो लुक है पहले से था वैसे ही है, इस पर आपको कोई चेंज वगैरह नहीं हुआ है। तो इसमें जैसे ही आपको ओपन करोगी, तो इसमें आपको जो अपडेट आया था वो तो इसका आपको देखने को मिल ही जाएगा। देख पा रहे हो, सब आ गया। तो इसमें न्यू कोई एक्स्ट्रा ऐड, कोई ऐसा टैब वगैरह ऐड नहीं किया गया है। तो आपको सिंपल सी जो भी काम करना है, तो आप
फ्लैश करना चाहते हैं तो सबसे नंबर वन फ्लैश पे आपको इस पे क्लिक करना है। तो फ्लैश अगर आपको करना है फ्रेंड इस टूल के जरिए से, तो आपको फ्लैश पे टिक मार्क रहना है। उसके बाद आपको रो प्रोग्राम वाला फाइल इसमें टिक मार्क करके आपको उठा लेना है जहाँ कहीं भी आपको रहेगा। उसके बाद रीड इन्फो, कोई भी सेट में पहले काम करने से पहले हम लोग रीड इन्फो लेते हैं, तो देख पा रहे इस पर रीड इन्फो है आपका, तो इस पर आपको रीड इन्फो लेने को मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आपको एनी मॉडल ही रखने देना है। उसके बाद आपको इस पर देख पा रहे हो फॉर्मेट एफएस और डिसेबल लॉक, रीस्टार्ट लॉक, उसके बाद रीसेट वीवो लॉक, एफएस फॉर्मेट एफएस, फॉर्मेट एफएस वीवो, उसके बाद आपको सिक्योरिटी रीस्टार्ट। तो यही सब है, ऐसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें। और जो भी अपडेट दिया है आप लोगों को कैसे लगा बोलना, मुझे तो उतना खास नहीं लगा। और वीवो का सेट, और वीवो का सेट फास्ट बूट में अगर आप बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हो तो यहाँ से कर लेना, मिल जाएगा आपको। और फैक्ट्री रीसेट फॉर्मेट भी करना चाहते हो तो ये वाला आपको मिल जाएगा, ये स्पेशली वीवो के लिए है, ये ध्यान में रखना आप लोग। और इसका स्टेप बाय स्टेप इसमें जितना भी टैप दे है सारे अगर आप लोग चाहते हो जानकारी मैं अपने वीडियो के जरिए से आपको कमेंट करना, मैं आप लोगों को पूरे प्रोसेस इसमें जितने भी टैप दिए है सारे मैं आप लोगों को डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा एक वीडियो के जरिए से। तो अगर आप चाहते हो देखना, अगर जानना चाहते हो काम क्या करता है तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को बोलूँगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर अच्छा लगे लाइक कर देना।